अब बच्चों देखेंगे कि आनंद फानन में राज्याभिषेक की तैयारी की गई। सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, वानर राज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं रहें उनके साथ। राम ने मना कर दिया। राम ने मना कर देते हैं और वे कहते हैं कि यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा। उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूँगा। राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था। लंका रोहण कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे प्रश्नवण पहाड़ पर रहे। वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की सीता की खोज के लिए। सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया था, लेकिन वह अपना वचन भूल गए, राग रंग में उलझ गए। राम चिंतित थे और दुखी भी। हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राज तिलक के दिन वे वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। यह काम सेनापति नल को सौंपा गया था। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। अर्थात बच्चों, अब यहाँ पर जैसा कि हमने देखा कि राम ओट से बाहर आ जाते हैं, राम लक्ष्मण और हनुमान। अब इसके बाद मतलब जल्दी जल्दी में आनंद फानन का अर्थ होता है जल्दबाजी में, यानी तुरंत किसी भी काम को करने के लिए तुरंत आनंद फानन जल्दबाजी में काम को करना। राज्याभिषेक होता है जैसे जिससे राजा नियुक्त किया जाता है उसके लिए पूर्वानियोजन कार्य होता है, तो वो पूर्वानियोजन में एक ऋषि होते हैं, मंत्र उच्चारण होता है और उसी के साथ राजा को मुकुट के द्वारा उसे राज्यगद्दी यानी उसका राज्याभिषेक किया जाता है। अब उस राज्याभिषेक की तैयारी होने लगती है। सुग्रीव को राजगद्दी मिलती है। अब राम की सलाह पर ही यानी राम की आज्ञा से बाली के पुत्र को यानी अंगद को युवराज का पद प्राप्त होता है, क्योंकि वो बड़े भाई का बेटा था, इस नाते से उन्हें युवराज का पद दिया गया। अब राम ने सुग्रीव के संबोधन को बदल दिया। अब उन्हें मित्र ना कहकर वो वानर राज यानी वानरों के राजा से संबोधित किया। अब संबोधित करने के पश्चात राजगद्दी पर बैठकर वे सुग्रीव का मन था, सुग्रीव ये चाहते थे कि राम भी कुछ समय यहाँ रहें, लेकिन राम इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं। और वो इसलिए मना करते हैं बच्चों, वो कहते हैं कि ये पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा, यानी कि रानी कैकेयी द्वारा जो वरदान प्राप्त था उसमें ये सही रूपों में कहा गया था कि राम को 14 वर्ष का वनवास। अब एक वनवासी कभी भी राजमहल में नहीं रुक सकता, उसे वन में ही रहना होता है। और इसी वचन का पालन करते हुए राम उस बात को मना कर देते हैं और वे फिर वहाँ से लौट आते हैं। अब जब तक ये था बच्चों कि जब तक इसी समय वर्षा ऋतु आ जाती है। अब वर्षा ऋतु में तो किसी कार्य को नियोजित ढंग से हम आगे कर नहीं सकते, इस नाते से उस समय के लिए लंका रोहण यानी लंका पर आक्रमण करने का जो था खोजने का कार्य वो स्थगित कर दिया जाता है, यानी कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। स्थगित का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए विराम देना, रोक देना, तो वे रोक देते हैं। और इस अवधि में प्रश्नवण करके एक पर्वत था बच्चों, प्रश्नवण, तो उस प्रश्नवण पहाड़ पर ही राम जब तक वर्षा ऋतु थे तब तक वो वहाँ रुके थे। अब इसके पश्चात ही बच्चों वर्षा ऋतु, अब क्या होता है, समय के साथ साथ वर्षा ऋतु बीत जाती है। वर्षा ऋतु बीतने के पश्चात अब राम प्रतीक्षा करते रहते हैं, वह इंतज़ार करते रहते हैं कि सुग्रीव की वानर सेना कब आएगी और कब वे लोग सीता की खोज में आगे हम निकलेंगे सीता की खोज के लिए। सुग्रीव के राज तिलक के दिन राम को इसका आश्वासन दिया गया था, यानी जब राज तिलक हो रहा था तो उस समय सुग्रीव ने यह आश्वासन दिया था कि वर्षा ऋतु के बाद ही हम तुरंत तत्काल सीता माता की खोज में लग जाएंगे। किंतु सुग्रीव के राज तिलक के दिन के इस आश्वासन को कहीं ना कहीं सुग्रीव भूल चुके थे। राग और रंग यानी कि व्यसन में, नृत्य में, क्योंकि काफ़ी समय के बाद उन्हें ये राजपाट प्राप्त हुआ था,
तो उसका आनंद लेने में वो इन सभी बातों को उसी में वे उलझ गए। तो इस नाते से उन्हें वो सारी बातें जो उन्होंने राम को वचन दिया था वो भूल जाते हैं। अब इस बात से राम बहुत चिंतित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं कि ऐसा होगा तो कैसे होगा, कैसे क्या होगा। अभी तक राम सुग्रीव की कोई सेना आई नहीं और वे दुखी भी थे, लेकिन हनुमान को सुग्रीव का वचन याद था। राजतिलक के दिन, क्योंकि राम हनुमान भी वहीं थे, तब उन्होंने सुग्रीव को जाके इस बात की याद दिलाई, उन्हें याद करवाया कि आपने राम को राजतिलक के दिन क्या वचन दिया था। सुग्रीव ने वानर सेना को एकत्रित होने का आदेश दे दिया। अब वानर सेना एकत्रित हुई और ये काम उनके सेनापति जो नल थे, नल को सौंपा गया था, क्योंकि नल ही राजा सुग्रीव के सेनानायक थे, तो उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई थी। अब उसी के पश्चात सेना लेकर 15 दिन लेकिन बीत जाते हैं। 15 दिन बीतने के बाद भी लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची, यानी लंबा समय बीतने के बाद भी, 15 दिन बीतने के बाद भी राम तक सेनानायक लोग नहीं पहुँचते। और यहाँ पर राम पहले से चिंतित में थे कि क्या हुआ, सुग्रीव कहाँ रह गए, उन्हें अपना वचन याद है कि नहीं, सीता को खोजने में अब समय विलम्ब हो रहा है, वो कैसी होगी, किस परिस्थिति में होगी, काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में थी और इसी बात को लेकर वो चिंतित भी थे और वो यही चाहते थे कि किसी तरह जल्दी से इन चीज़ों को कर लिया जाए, जिससे कि वो लोग आगे अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकें और आगे बढ़ सकें। और इसी के नाते वे उसकी प्रतीक्षा करते हैं। चूँकि अब ये बात हनुमान को तो याद थी, तो हनुमान ने सुग्रीव को याद पढ़ाया। सुग्रीव को याद कराने के पश्चात ही सुग्रीव ने तुरंत ही आदेश दे दिया सेनानायक नल को कि आप तुरंत ही सेना को एकत्र करने का कार्य में लग जाइए। और जिसमें उनको 15 दिन बीत भी जाते हैं, लेकिन 15 दिन के बाद भी कोई भी सेना राम तक नहीं पहुँच पाती है। अब बच्चों हम इसके आगे देखते हैं।